Hi guys, how are you doing? Hope you are doing well. My name is Supriti and you are watching Kids Learning Channel. Basic English Grammar Series की एक शुरुआत मैंने की है जिसमें आप बेसिक इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक बिगिनर हैं या आगे के लेवल्स पे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियोस इम्पॉर्टेंट होंगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और जो भी वर्ड्स आपको नया लगे या सबसे ज़्यादा पसंद आए तो उन्हें कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है। तो बिना वक्त गवाए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने वर्ड्स लिख रखे हैं वो है पॉजिटिव डिटरमिनर्स एंड पॉजिटिव प्रोनाउंस। एक बात बता दूं कि नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अगर कोई रिटन एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहा है वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव डिटरमिनर एंड पॉजिटिव प्रोनाउन विथ एग्जाम्पल्स। पहला हमारा है माइन। दिस बुक इज माइन। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव डिटरमिनर के बाद नाउन आता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पहला, दिस इज माई बुक। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है। और अगला देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आता है, तो इसे आप बाय इटसेल्फ यूज करते हैं। माई से सेंटेंस देखिए, दिस इज माई बुक, ये बुक मेरा है। और पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म में जब माई चेंज होकर माइन होगा तब सेंटेंस होगा दिस बुक इज माइन। दोनों का मीनिंग सेम है, बस फॉर्म चेंज हुआ है सेंटेंस का। अगला देखिए योर, इट इज योर बुक, ये बुक तुम्हारा है। और जब हम योर को चेंज करके योर्स करेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म में होगा, तब सेंटेंस हमारा होगा दिस बुक्स आर योर्स, ये बुक तुम्हारा है। मीनिंग सेम है, बस यहाँ पे योर से जब सेंटेंस बनेगा तब पॉजिटिव डिटरमिनर के साथ नाउन के साथ हमारा सेंटेंस एंड हो रहा है, और पॉजिटिव प्रोनाउन के वक्त हमारा सेंटेंस पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ एंड हो रहा है बाय इटसेल्फ। नेक्स्ट आइए आवर, शी इज आवर फ्रेंड, वो मेरी दोस्त है, या सॉरी शी इज आवर फ्रेंड, यानी वो दोस्त हमारी है या वो हमारी दोस्त है। आवर्स के फॉर्म में जब होगा तो सेंटेंस हमारा होगा शी इज फ्रेंड ऑफ आवर्स। यहाँ पे सेंटेंस एंड हो रहा है पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ। जब सेंटेंस हीज से फॉर्म होगा, दिस इज हीज कार, वो ये कार उसका है। और जब पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म में होगा सेंटेंस, तब सेंटेंस ऐसे होगा दिस कार इज हीज। मीनिंग दोनों का सेम है, बस फॉर्मेशन चेंज हुआ है। हर, नो इट इज हर कार, नहीं वो कार उसकी है। और हर चेंज होके पॉजिटिव प्रोनाउन के वक्त हर्स हो जाएगा, तब सेंटेंस हमारा बनेगा दिस हाउस इज हर्स, ये घर उसकी है या उसका है, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन लड़की के वक्त हम हर का ही यूज करते हैं, उसकी यूज करते हैं। ओके, अब आइए देयर, इट इज देयर फॉल्ट, ये गलती उनकी है। देयर यानी
जब हम बहुत एक से ज्यादा किसी को डिनोट करते हैं तो हम देयर का यूज करते हैं. टीज देयर फॉल्ट. जब देयर चेंज होके पॉजिटिव प्रोनाउन फॉर्म में होगा तब वो देयर्स हो जाएगा और सेंटेंस बनेगा द फॉल्ट इज देयर्स. इट्स अ पेंसिल. ये पेंसिल है और जब और इट्स पॉजिटिव प्रोनाउन में इट्स के साथ कोई सेंटेंस नहीं बनता है क्योंकि इट्स से सेंटेंस एंड नहीं होता कभी. ओके अब हम चलते हैं अगले पेज पे. तो अब यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जिनमें आप सीखने वाले हैं इनकी मीनिंग, इनकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में कुछ एग्जांपल्स. देखिए ओनली का मतलब है सिर्फ या केवल. सेंटेंस देखिए ओनली से दिस इज द ओनली रूट. ये केवल एक रूट है या ये सिर्फ एक ही रूट है. अलोन अकेला या अकेली. आई विल गो अलोन. मैं अकेली या अकेला जाऊंगा. बोथ यानी दोनों. बोथ ऑफ आस आर गोइंग टू दिल्ली. हम दोनों साथ दिल्ली जा रहे हैं. जस्ट का मतलब अभी या तुरंत कह सकते हैं. जस्ट कमिंग तुरंत आओ. स्टिल का मतलब अभी भी. आई एम स्टिल हंग्री. मैं अभी भी भूखा हूँ. लेटर बाद में. सी यू लेटर बाद में मिलते हैं. विथ का मतलब है के साथ. आई विल कम विथ अभिप्सा. मैं अभिप्सा के साथ आऊंगी. विदाउट के बिना. आई कैन नॉट वॉक विदाउट सपोर्ट. मैं बिना सपोर्ट के नहीं चल सकती. नाउ का मतलब है अब या अभी. आई वॉन्ट दिस नाउ. मुझे ये अभी चाहिए. देन उसके बाद. आई एम गोइंग टू बाथ. देन आई विल ईट. पहले मैं नहाने जाऊंगी उसके बाद मैं खाना खाऊंगी. सो इसलिए. He is not well, so he can't come. वह स्वस्थ नहीं है इसीलिए वह नहीं आ सकता. इसीलिए. So का मतलब है इसीलिए. Thank you for watching. If you like my video, please like, share, comment and subscribe. And do press the bell icon for more notification. Bye bye. Have a good day.